क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं? और पहुंच गए शारदा, शारदा वैली हम पहुंच चुके हैं। और अभी तक पीछे हमारी गाड़ी दिख रही होगी और कह रहे होंगे कैसी जगह है शारदा, कैसी जगह है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि हम किस जगह पर खड़े हैं इस वक्त। हमारे पीछे देखें, ये शारदा वैली, बर्फ पोश पहाड़, ज़बरदस्त किस्म की बर्फ है इस वक्त यहाँ पर। और पूरी वादी जो है वो सफ़ेद, यानी पीछे आप देखें पहाड़ और दरी, पहाड़ है वो, बर्फ है चारों तरफ बर्फ है। और ये मोबाइल पकड़ने का कीमत नहीं हो रही। यहाँ पे टेम्परेचर -10 है, -10 नॉर्मल हालात में होता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है ये, तो बड़ा हमें एहतियात के साथ यहाँ पे जाना है। अच्छा जी, हम ये आ गए हैं शारदा वैली में और नहायत ही खूबसूरत मंज़र है इस वक्त। बर्फ़ के दरमियान हम खड़े हुए और गोगे वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा है, हाथ बिल्कुल यक हो गए और मोबाइल भी पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन हम आपको थोड़ा सा ये मंज़र हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ़ी बर्फ़ है। और ये फरमान साहब बर्फ़ के बीच भगवान साहब बैठे हुए, पहाड़ों पर भी बर्फ है, हर जगह बर्फ है। अस्सलाम वालेकुम, हम यहाँ से मरी से निकल रहे हैं अयूबिया की तरफ, और अयूबिया की तरफ हम जा रहे हैं अब, और अयूबिया की तरफ हम जा रहे हैं। और कुछ 3-4 पॉइंट्स में हमारा इरादा है कि हम रुकेंगे और अपने व्लॉग्स वगैरह बनाएंगे। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा रुकेंगे, घने जंगलात हैं, नीचे बर्फ़ पड़ी हुई है, ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, और बड़ा ज़बरदस्त व्यू है इस वक्त यहाँ का। तो अगर ये फरमान अगर आपको दिखाएँ, ये देखिए ये बैक व्यू है, चलें फिर आगे चल के वीडियो बनाते रहेंगे हम लोग। ओके, अयूबिया में इंशाल्लाह आपसे बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बंदर पॉइंट है और इस सही जगह वहाँ पर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। ओके, आप क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? ठीक है। और इस वक्त हम मौजूद हैं अयूबिया के अंदर, और अयूबिया केपीके के अंदर है, मरी से कुछ फासले पर है, 35 से 40 मिनट लगते हैं आपको अगर आप कुछ पॉइंट्स पर रुकते हुए आएँ यहाँ पर। तो बड़ा ही दिलकश मंजर है, जंगलात हैं, ऊपर चेयर लिफ्ट चल रही है, लेकिन बर्फ़ भी है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। हाइकिंग करेंगे तो बस हम हाइकिंग करते हुए काफ़ी ऊपर आ गए। अगर आपको फरकान कैम दिखाएं ये व्यू नीचे का, तो ये आपको दिख रहा होगा कि नीचे काफ़ी लंबी वादी है, हमारा होटल है जहाँ से हम पैदल चलते हुए आए। और अब हम जो है वो थोड़ा सा और ऊपर जा रहे हैं, सामने ही हमारे बर्फ़ है। तो यार फीट ऊपर चढ़ चुके हैं हम लोग, तकरीबन हमने हाइकिंग कर ली 1000 फीट, करीब 1000 फीट से ज़्यादा ही होगा, लेकिन ये बड़ा दुशवार गुजार रास्ता है, ऊपर चढ़ना जो है बड़ा मुश्किल है। बस ये थोड़े से फासले में हमारी बर्फ़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो बर्फ़ पूरे मरी के अंदर आपको जगह जगह पे मिलेगी, लेकिन ये हमने हाइकिंग करते हुए यहाँ तक पहुँचे और बर्फ़ हमारे सब पड़ेगी, लेकिन हम थोड़ा सा ये सेफ़ रस्तों से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं जी। अब हम बस पहुँचने वाले हैं उन बर्फ़ों पोश पहाड़ पर, बर्फ़ बर्फीली पहाड़ के ऊपर, बड़ी मुश्किल है, स्लिपरी रास्ता है। ये फरकान भाई चल रहे हैं हमारे साथ साथ, ये बर्फ़ आ गई हमारे, बस ये हमारे बिल्कुल अकब है, बाएँ जानी बर्फ़ है, वैसे तो दाएँ जानी भी बर्फ़ है। अगर आपको मैं एक व्यू ये भी दिखा दूं, ये बर्फ़ आपको मिलेगी हर जगह, और
हम जिस बर्फ़ पे जा रहे हैं वो हमारे बिल्कुल बाएं जानिब है। फुरकान अगर आप मेरे लेफ्ट पर आ जाएं तो ये देखें जी, बर्फ़ के पहाड़, बर्फ़ तक हम पहुंच गए। अब हम थोड़ी सी सेल्फी वेल्फियाँ लेंगे और एक और व्यू हम यहाँ से आपको आखिरी व्यू अयूबिया से कल चेयर लिफ्ट पर बैठेंगे तो वो भी दिखाएंगे, लेकिन ये वाला व्यू आपको मैं चाहूँगा कि लाजमी दिखाऊँ। बड़े से पेड़ के पीछे से आपको पूरी वादी दिखेगी और ये बर्फ भी देख सकते हैं, साफ नज़ारे कर रहे हैं, बड़ी शफाफ पहाड़ ने जो है वाइट कलर को ओढ़ लिया है। और बस अब हम ये पहाड़ों बर्फ़ की जानिब थोड़ा सा बढ़ेंगे, थोड़ा सा बर्फ़ पे एंजॉय करेंगे, चल सेल्फी वेल्फी लेंगे इंशाल्लाह और फिर हम वापसी के लिए वापस जाने के लिए मुड़ जाएंगे। फुरकान साहब जा रहे हैं बर्फ़ की जानिब, जाएं फुरकान साहब ज़रा हम आपकी वीडियो बनाते रहें। फुरकान थोड़ा संभल के रहिएगा, स्लिपरी है। आई वाला फुरकान बस स्टे कर जाओ, रुक जाओ, चलें जी। हम भी साथ पहुंच ही गए हैं यहाँ पर, ये आप बर्फ देख सकते हैं हमारे चारों तरफ। फुरकान साहब ऊपर बैठे हैं, चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मेरी मर्जी है, जीत के जाओ, ये ठेकेदार के हम यहाँ लाहौर मीनार पाकिस्तान में पहुँच गए हैं और ये नजर नहीं आएगा। ये इस वक्त हम ट्रेन में बैठे थे और ये हमें पूरे मीनार पाकिस्तान में चक्कर लगवाई थी और यादगार स्थान कहते हैं, साथ ही यहाँ फरमान अगर आप मीनार पाकिस्तान क्या हाल है भाइयों, कैसे हैं, ठीक हैं?
और इस वक्त हम मौजूद हैं बादशाही मस्जिद में, और बादशाही मस्जिद का आपको थोड़ा सा हम लुक दिखाते हैं। ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, लाहौर की तारीखी मस्जिद है। और ये अगर हम आपको अपने बैकग्राउंड पे ये दिखाएं, बड़ी अभी हम आए वहाँ से बादशाही मस्जिद के बाहर जो अल्लामा इकबाल के, हमने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी भी दी है, और उसके बाद गेट से होते हुए हम आ रहे हैं हम ये मस्जिद की तरफ हम जा रहे हैं। और मस्जिद की इंशाल्लाह फिर हम आपको कुछ अच्छी सी फुटेज आपको दिखाते हैं कि बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, इसका तर्ज तामीर नहायत ही शानदार है और बहुत तारीखी मस्जिद कह रहा है आलम इस्लाम। 99 दरवाजे हैं ना इसके। ये अब आपको मैं अंदर लेके जाता हूँ, तो अंदर ले जाके मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। La 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 la
ओके दोस्तों, अगली जर्नी में एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और फुरकान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।